कोविड-19 महामारी की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए 1 मई से शुरू होने वाले प्रशासन गांव के संघ अभियान को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 1 मई से यह अभियान शुरू करने की घोषणा की गई थी। प्रदेश में कोरोना की दूसरी घातक लहर और संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अभियान को स्थगित किया गया। ऐसे में अब स्थिति सुधरने पर अभियान की नई तिथि को लेकर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 1 मई से इस अभियान की शुरुआत होनी थी, लेकिन क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इस अभियान में क्योंकि ज़्यादा ही लोगों की सहभागिता होती है, तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को स्थगित कर दिया गया है। नई तिथि का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। इसी खबर पर विस्तार से जानेंगे एवन संवाददाता पिंटू सिंह नरूका से, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पिंटू सिंह, विस्तार से बताएं। देखिए भारती, प्रदेश सरकार का एक बड़ा अभियान था, एक जनता से जुड़ा हो, ग्रामीण जनता से जुड़ा बड़ा अभियान था प्रशासन गांव के संग अभियान, जो 1 मई से शुरू होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की बढ़ती लहर और कर्फ्यू के चलते इसको स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार कोरोना की चेन लगातार बढ़ती जा रही है, कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, उसके चलते गांव की जनता को कहीं ना कहीं संक्रमण के खतरे में नहीं डालना चाहते थे, उसके चलते ये फैसला किया गया और 1 मई से शुरू होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान को स्थगित किया गया। हालांकि ये अभियान गांव की दिशा सुधारने वाला अभियान था, ये बड़ा अभियान होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जब भी सरकार बनती है तो इस प्रकार का अभियान चलाया जाता है और गाँव के अंदर रहने वाले जो किसान मजदूर लोग हैं उनको इस अभियान के माध्यम से सीधा फायदा दिया जाता है, क्योंकि चाहे वो जमीन के नामांकन खुलने की बात हो, जमीन के पट्टे देने की बात हो, और कहीं जो सालों से जो डिस्प्यूट चलते रहते हैं जमीन से घर से संबंधित, उनका समाधान खुद प्रशासन वहां गांव में जाकर लोगों का समाधान करता है। उनकी जो जमीन से जुड़ा मामला होता है, खेत से जुड़ा मामला होता है, घर से जुड़ा मामला होता है, या किसी कई बार ऐसे होते हैं कि पीढ़ियों से उसके जमीन के नाम नहीं खुलता है, ये काफी सारी समस्याएं रहती है और इन तमाम समाधान के लिए ये अभियान चलाया जाता है प्रशासन गांव के संग, ताकि गांव वालों की जो प्रशासन से जुड़ी जो समस्याएं होती है उनका समाधान हो जाता है और जनता को, गरीब किसान को, मजदूर को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं और वहां पर प्रशासन खुद जाकर उसका काम करता है। बड़ा अभियान होता है, लेकिन कोरोना की भेंट ये अभियान चढ़ गया और इस अभियान को अब स्थगित कर दिया गया है। हालांकि अभी इसकी अगली तारीख नहीं आई है कि ये कब फिर से चलाया जाएगा, लेकिन जब कोरोना संक्रमण पर लगाम लगेगी और नियंत्रण किया जाएगा उसके पश्चात फिर से अभियान शुरू किया जाएगा। तो प्रशासन गांव के संग अभियान काफी एक महत्वपूर्ण अभियान था जनता के लिए, खासतौर पर ग्रामीण जनता के लिए, लेकिन ये कोरोना के चलते इसको स्थगित करने का फैसला लिया है और जल्द ही जब कोरोना संक्रमण पर लगाम होगा तो फिर से ये अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में ये घोषणा की थी कि सरकार 1 मई से प्रशासन गांव के संग अभियान चलाएगी और इस दौरान गांव वालों की जो गांव में जो समस्याएं होती है खासतौर पर देखने को मिलती है, जमीन से जुड़े हुए मामले ज्यादा होते हैं और उनके समाधान के लिए अमूमन किसानों को, मजदूरों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जब लेकिन प्रशासन वहां पर खुद जाता है, वहां पर SDM, पटवारी, ग्राम सेवक सभी लोग वहां पर एक साथ मौजूद होते हैं और उसका तुरंत समाधान किया जाता है और उसको कहीं अलग अलग जगह चक्कर नहीं लगाने पड़ते। तो लेकिन ये कोरोना के चलते स्थगित हुआ है और जल्द ही जब कोरोना पे लगाम लगेगी तो फिर से ये अभियान शुरू किया जाएगा। जी जी पिंटू सिंह, तमाम जानकारी के लिए।